सत्तर पूर्व मंत्री जी बायतू विधायक, इनका स्टैंड भी क्लियर नहीं है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कभी ये बोलते हैं बाड़मेर के अंदर सबसे सस्ती बजरी है, कभी ये बोलते हैं कि हाईकोर्ट का मामला है और रेट हाईकोर्ट तय करता है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और कभी ये बोलते हैं कि हमने 100 रुपये सस्ती करवा दी। अगर आपने 100 रुपये सस्ती करवा दी तो आप हाईकोर्ट का क्यों बहाना बना रहे हो? कहते हैं कि आरएलपी और कांग्रेस के लिए तो भाई तुम्हें बजरी 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 लेकर बातें कर रहे हैं उनके, इसके अलावा भी जो आमजन है उनके लिए कई मुद्दे हैं, पानी हो गया, सड़क हो गया, उनकी कोई बात नहीं कर रहे इन दिनों में। अमित जी, मेरा एक सवाल है कि बायतू थाने की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी समय से भीड़ रहती है, वहाँ पर कभी परिवादी होते हैं, कभी मुलजिम होते हैं, कभी पुलिस कुछ करती है, आपको लगता है कुछ ऐसा हो रहा है बायतू में? बिल्कुल, जनता का मूड है इस बार आरएलपी के पक्ष में, सब आरएलपी के पक्ष में है, क्योंकि आरएलपी और बीजेपी अगर चुनावी मैदान में रहेगी तो हरीश चौधरी को फायदा होगा, और उसका कारण ये कि ये आरएलपी के जो वोट जाएंगे वो मूल वोट जो बीजेपी के होते हैं, ऐसा भी है क्या प्रशासन? नहीं, ऐसे की आप बात कर रहे हैं बजरी को लेकर, हरीश चौधरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जुलाई और ये महीने जब होते हैं तो बजरी का खनन ही नहीं होता है, हनुमान बेनीवाल उनके जो नेता हैं वो ऐसे ही जो बजरी का ठेकेदार है उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये तमाम प्रकार के उस्टंडे कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अशोक शेरा और आप देख रहे हैं नेताजी ऑनलाइन। राजस्थान के बाड़मेर जिले की एक ऐसी विधानसभा जिस विधानसभा को लेकर इन दिनों ये माहौल बना हुआ है कि उस विधानसभा से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कांग्रेस और बीजेपी को मात देकर आगे चल रही, इन दिनों का परसेप्शन है, और लोग ऐसा इसलिए भी सोच रहे हैं क्योंकि वर्ष 2018 में इसी विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो दूसरे स्थान पर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी तीसरे स्थान। अभी मेरे साथ इस बार बायतू विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से प्रबलता से दावेदारी कर रहे उम्मेदाराम जी बेनीवाल। उम्मीद जी, काफी माहौल बना दिया आपने बायतू में, क्या हालात है अभी इन दिनों के? बिल्कुल, जनता का मूड है इस बार आरएलपी के पक्ष में, सब आरएलपी के पक्ष में है, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी को लोगों ने अजमाइश करके देख लिया। इस बार बायतू की जनता कुछ नया बदलाव चाह रही है। अभी अपन 2023 के वर्तमान पर बाद में आएंगे, उससे पहले अपन वर्ष 2018 की बात करते हैं। 18 में आप थोड़े से चूक गए थे, दूसरे स्थान पर आ गए थे, उस समय का क्या माहौल था और लोग आपके साथ एक बार पूरी उम्र से गए थे? देखिए, 2018 में हम नए थे, फिर भी सबसे पहले तो सभी मतदाताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि बिल्कुल नया उम्मीदवार होते हुए भी और आरएलपी पार्टी के ऊपर पूरा भरोसा किया, और नज़दीक फाइट थी और थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं हमारे से चूक रह गई तो पीछे रह गए, बाकी जनता की तरफ से फुल सपोर्ट था, कोई कमी नहीं थी जनता के सपोर्ट में। और इस बार ऐसा लग रहा है कि सभी 36 कौम के लोगों का मन बना लिया है कि इस बार आरएलपी को जिताना है बायतू से, और जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई शुरुआत की हनुमान जी ने वो उसको व्यवस्था परिवर्तन करने के पूरे राजस्थान की जनता मूड में है। तो क्या लग रहा है इस बार, क्या किस फैक्टर से आप चुनाव लड़ रहे हैं कि भी हाँ ये ऐसे कर लेंगे तो ये इस वोट इस तरह के वोट आएंगे, ये वोट आएंगे, ये तमाम प्रकार की बातें चल रही है? देखो, आरएलपी का मेन जो मुद्दा है व्यवस्था परिवर्तन का, उसमें मेन टोल मुक्त राजस्थान, कर्ज मुक्त किसान, हर खेत को सिंचाई का पानी, मुफ्त बिजली किसानों के लिए और आम उपभोक्ताओं के लिए कम दर पर बिजली, ये जो प्रमुखता से मुद्दे हैं, और जनता भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है। कांग्रेस और बीजेपी जब दावे तो बड़े बड़े करते हैं जब चुनाव आते हैं, और जैसे ही चुनाव बीतते हैं तब एक दूसरे के पापों के ऊपर पर्दा डालने की पूरी भरपूर कोशिश करते हैं। आप देखिए, वसुंधरा सरकार के टाइम सबसे बड़ा खान घोटाला हुआ, और जब चुनाव के अंदर बहुत चर्चा में था कि हम बीजेपी कांग्रेस वाले कह रहे थे कि हमारी सरकार बनी तो बिल्कुल भ्रष्टाचारियों की पोल खोलेंगे और सबको जेल में डालेंगे, जैसे ही चुनाव के सत्ता के अंदर कांग्रेस आई तो चुपचाप बैठ गए, पर्दा डालना तो दूर रहा, खुद बड़े बड़े जब बजरी माफियाओं के साथ में मिलकर, और भ्रष्टाचार इतना व्याप्त हो गया है कि आम जन बहुत ही परेशान है। देखिए, बजरी जो मेन मुद्दा है आज की तारीख में बना हुआ, जो बजरी 2018 से पहले एक बार फिर महंगी हुई थी और फिर दोबारा छोटी लीजें सरकार ने अलॉट करके बजरी के अंदर राहत पहुँचाई थी, लेकिन ये राहत नहीं आई नेताओं को, उन्होंने बड़े उस बड़े ठेकेदार के साथ में मिलकर हाईकोर्ट का बहाना बनाकर जिस प्रकार से जनता को लूटा है वो जनता कभी भूलेगी नहीं। और हमारे नेताजी है विशेषतर पूर्व मंत्री जी बायतू विधायक, इनका स्टैंड भी क्लियर नहीं है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कभी ये बोलते हैं बाड़मेर के अंदर सबसे सस्ती बजरी है, कभी ये बोलते हैं कि हाईकोर्ट का मामला है और रेट हाईकोर्ट तय करता है
और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और कभी ये बोलते हैं कि हमने 100 रुपये सस्ती करवा दी। अगर आपने 100 रुपये सस्ती करवा दी तो आप हाईकोर्ट का क्यों बहाना बना रहे हो? अगर 100 रुपये ही सस्ती कराई तो पहले वाली तरह क्यों नहीं करवाई, जो 45 रुपये गवर्नमेंट के अंदर जाते हैं और ऊपर के पैसे ठेकेदार बेहिसाब से खा रहा है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं, जिसका कोई इनकम टैक्स नहीं, जिसका कोई रॉयल्टी वेट वगैरह कुछ नहीं, और आम जन का लूट कर पैसा सरकार को भी राजस्व का नुकसान कर रहा है। बजरी की आप बात कर रहे हैं, बजरी को लेकर हरीश चौधरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जुलाई और ये महीने जब होते हैं तो बजरी का खनन ही नहीं होता है। हनुमान बेनीवाल उनके जो नेता हैं वो ऐसे ही जो बजरी का ठेकेदार है उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये तमाम प्रकार के उष्टंडे कर रहे हैं। ये बिल्कुल बौखलाहट है उनकी, ये साफ जाहिर है। खनन कैसे नहीं है? खनन नहीं है तो बजरी आ कहाँ से रही है? आप रोके, आपकी सरकार है, ये तो आपको तय करना है। हनुमान जी का ये मामला थोड़ी है, उनका मेन मकसद है कि आम राजस्थान के आम लोगों को बजरी सस्ती दर के ऊपर मिलनी चाहिए, जो गवर्नमेंट के अंदर तो 45 रुपये जा रहा है और ऊपर के पैसे पूरे के पूरे ठेकेदार जो खा रहा है। ये अवैध लूट है और ये करोड़ों रुपए का घोटाला है, हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला है, जो ये सरकार जाने के बाद में हो सकता है हमारी सरकार आई तो इस घोटाले का उजागर भी करेंगे। कई दूसरी पार्टी जी आपकी आरएलपी और कांग्रेस पार्टी के अलावा जो नेता हैं वो कहते हैं कि आरएलपी और कांग्रेस के नेता भाई तुम्हें बजरी 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 लेकर बातें कर रहे हैं। उनके इसके अलावा भी जो आमजन है उनके लिए कई मुद्दे हैं, पानी हो गया, सड़क हो गया, उनकी कोई बात नहीं कर रहे इन दिनों में? बिल्कुल है, हम तो सबकी बात कर रहे हैं। अभी सड़कों की क्वालिटी बहुत ही घटिया है, एक तो बनी नहीं 4.5 साल, कुछ काम नहीं हुए, और अभी लास्ट के साल में थोड़ा बहुत काम हुआ तो इतनी घटिया रोडें बनी हैं। आप खुद देख सकते हो, जो गिड़ा से अभी पाटोदी परेव से गिड़ा होते हुए जो बाटाडू की रोड बनी है, जगह जगह पर गड्ढे पड़े हैं, जो बने हुए को 2 महीना नहीं हुआ और रोड टूट गई। सब भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गए, सरकारी कामों के अंदर बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। और वैसे देखो, पानी की बात करें तो JJM के अंदर बहुत ज़्यादा बजट खर्च किया है, पाइप तो डाले हैं लेकिन पानी का कोई अता पता नहीं। और अफसरों को भी पूछते हैं, उनको भी कहे हमें पता नहीं, नल तो लग जाएगा पर जल की कोई गारंटी नहीं। मैं आपको एक सवाल करता हूँ, मेरे जहन में ये बात आई कि जब कांग्रेस के नेताओं से हम बात करते तो उनका ऐसा कहना है कि बायतू विधानसभा क्षेत्र में इस बार हरीश चौधरी ने सड़कों का जाल बिछा दिया है। बायतू विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहाँ पर हर घर में हमने लगभग नल पहुँचाने शुरू कर दिए JJM के तहत, हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि काफ़ी 50% घरों के अंदर तो जल नल पहुंचाने का काम चल रहा है लेकिन जल की कोई अता पता नहीं है। सिर्फ और जल नहीं, हाँ नल पहुंच रहे हैं लेकिन जल की कोई अता पता नहीं है। और जहां आज से 2 साल पहले जो काम कंप्लीट हो गया JJM का, वहां पर भी पानी का कोई अता पता नहीं है। और JJM के अंदर BJP के नेता कह रहे हैं कि ये तो हमारी स्कीम है, हमने करवाया, और कांग्रेस वाला कह रहे हैं हमने करवाया। एक दूसरे को आपस में श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है लेकिन किसी को चिंता नहीं है कि यहाँ पर नल तो पहुँच गया पर जल कैसे पहुँचेगा, ये किसी को कोई चिंता नहीं है। उमेश जी, मेरा एक सवाल है कि बायतू थाने की बात करें तो वहाँ पर काफ़ी समय से भीड़ रहती है, वहाँ कभी परिवादी होते हैं, कभी मुलजिम होते हैं, कभी पुलिस कुछ करती है, आपको लगता है कुछ ऐसा हो रहा है बायतू में? देखिए, बायतू के अंदर अपराधियों का जो इन नेताओं के संरक्षण देने की वजह से बहुत ज़्यादा अपराध बढ़े हैं। इस वजह से अप्रोच की वजह, पहले तो उनको पनपाते हैं और फिर ऊपर की बात होती है तो फिर उनका ठिकाने भी लगा देते हैं। ये मामला चल रहा है बायतू थाने के अंदर, और मेरे हिसाब से कानून के मामले में नेताओं को ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई फरियादी नहीं बचा होगा जो किसी न किसी रूप में किसी न किसी की सिफारिश के बिना उसका काम होता हो। पुलिस है वो प्रशासन के नेताओं के दबाव के अंदर काम कर रही है, इसलिए बायतू के अंदर अपराध बढ़ रहे हैं। लोग तो ये भी कहते हैं कि उमेश जी भी कई बार ऐसे लोगों की सिफारिश कर देते हैं पुलिस थाने। नहीं बिल्कुल, हम तो बिल्कुल, अब फोन करना पड़ता है हमको भी, लेकिन हम तो ये कहते हैं जो सही है वो काम करो, किसी के साथ में अन्याय मत करो। और वैसे ज़्यादातर घरेलू झगड़े आते हैं, आपसी घरेलू विवाद हो गया या खेत का विवाद हो गया, उन मामलों में हम तो यही कहते हैं कि उनको दोनों पक्षों को बिठा कर उसका आपस में समझौता करवा दो ताकि ये कानून की उलझन में उलझे नहीं और ज़्यादा पैसे की बर्बादी नहीं हो। हमने आपके क्षेत्र के एक नेता से बातचीत की तो उनका कहना है कि पिछली बार वर्ष 2018 में हमारे सामने एक ऐसे नेता आ गए थे जिन्होंने काफ़ी वोट खराब कर दिए थे, हमारे वोट जो थे मूल वोट ले गए थे, किशोर सिंह कानून। अब देखिए, लोकतंत्र के अंदर सबका अधिकार और हक होता है कि चुनाव लड़ने का,
हम तो नहीं कह सकते कि उन्होंने वोट खराब किए हैं, इसलिए कि हम जो हैं वो हार गए, हमारे तीसरे नंबर पर रहे, वो हम इसलिए रहे, बाकी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वो तो हमारे पड़ोसी थे, वो वोट तो उसमें से 80% वोट तो हमारे थे, कि एक ही गांव के थे हम, कानोड और पुनियो का तला आपस में पास में पड़ोसी गांव है, तो गांव की वजह से आप लोकल उसके हिसाब से हमारे ही वोट आपस में डिवाइड हुए थे, इनके कहीं वोट नहीं गए थे, इनके जितने थे जिनको मिल गए, और बाकी हमारी कुछ मैनेजमेंट की कमी रही थी तो थोड़े से मार्जिन से पीछे रह गए थे। त्रिकोणीय मुकाबला होगा भाई तुम्हें? बिल्कुल, इस बार कांटे की टक्कर है और आरएलपी के ऊपर लोगों का विश्वास है और आरएलपी इस बार पक्का चुनाव जीतेगी। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि आरएलपी और बीजेपी अगर चुनावी मैदान में रहेगी तो हरीश चौधरी को फायदा होगा, और उसका कारण ये कि ये आरएलपी के जो वोट जाएंगे वो मूल वोट जो बीजेपी के होते हैं, ऐसा भी है क्या प्रसाद सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी छत्तीसगढ़ के लोगों का आरएलपी के प्रति विश्वास बढ़ता जा रहा है, क्योंकि विपक्ष की भूमिका मेन आरएलपी नहीं निभाई, जब भी कोई मुद्दा हुआ, चाहे पहले एक बकरी चोरी प्रकरण हुआ था, बहुत काफ़ी लंबा चला था और करीब करीब 100-150 किसानों की बकरियां चोरी हो गई थी और मामला खुला नहीं था, उस समय थाने का घेराव किया तो आरएलपी ने किया था, उसके बाद में बजरी का मुद्दा है और भी किसानों के क्लेम का मुद्दा है, फसली ऋण जो क्लेम जो बीमा कंपनियों द्वारा बदमाशी से नहीं दिया गया, जब भी प्रदर्शन की जरूरत पड़ी और जब भी किसी शोषित पीड़ित दलित को जहाँ न्याय की आस लगाए बैठा है तो सिर्फ आरएलपी से है, इस वजह से जनता ने अब की बार मूड बना लिया है कि आरएलपी को सपोर्ट करने का, और वैसे ये अफवाहें बिल्कुल फैलाने में बहुत माहिर है कि ये वोट किशोर सिंह जी खड़े नहीं होते तो ऐसा हो जाता, वो नहीं होता तो ऐसा होता, ऐसा कुछ नहीं था, किशोर सिंह जी अगर नहीं होते तो हम 101% भाईतुजी चुनाव जीतते, इन्होंने भ्रम जरूर फैलाया कि वो अब चार लड़ रहे हैं, चौथा फायदा ले जाएगा, नहीं तीनों एक हो जाओ और ये कर लो, और सभी एक मतदाताओं को एक करने की कोशिश की और उल्टे सीधे लोगों को बरगलाने की खूब कोशिश की इन्होंने। अच्छा, ये कुछ समय पहले ही बात चली थी, हालांकि अभी इस बात पर तो अंकुश लग गया है कि उम्मीदवार राम बेनीवाल है वो भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। नहीं, ऐसे अफवाहें लोग फैलाते रहेंगे, चुनावी चाल हैं, कई अफवाहें फैलाते, ऐसे तो हनुमान जी के बारे में भी कहते हैं कि वो बीजेपी में विलय हो जाएंगे, कभी कहते हैं कि कांग्रेस से गठबंधन कर रहे हैं। आप सलाह देते हो हनुमान जी के नहीं विलय कहीं नहीं होना है या होना है, ऐसा कुछ कहते हैं? देखो, नेताजी वो हमारे नेताजी है और उनको सलाह जब पूछते हैं कोई बात तो हम जरूर बता देते हैं, लेकिन वो अपने विवेक से, उन्होंने खुद ने पार्टी बनाई है, अपने दम के ऊपर 15 साल से संघर्ष कर रहे हैं, तो उनको सलाह देने की जरूरत नहीं है, वो अपने मन में जो सही होता है वो सही करते हैं। अच्छा, उम्मीदवार राम बेनीवाल जब अपने क्षेत्र में निकलते हैं या कहीं पर जाते हैं तो वहाँ भीड़ उमड़ जाती है, युवाओं की, लोगों की, ज़्यादा ही उम्मीद है आपसे? ये लोगों का हमारे प्रति प्रेम भाव है और लोगों का विश्वास है कि उम्मीद जी अगर इनको विधायक बनाएंगे तो हमारे साथ कोई गलत नहीं करेंगे, जो होगा सही करेंगे, लेकिन किसी के साथ में टांग खिंचाई बिल्कुल नहीं करेंगे। जिस प्रकार अभी हरीश जी के बारे में आप सुनते आए हो, कभी किसी का ट्रांसफर उठा के कहीं ठिका दिया, कहीं किधर कर दिया, किसी का कोई डिस्टर्ब कर दिया, वो उनका लोगों का मेरे प्रति विश्वास है कि ये गलत किसी के साथ नहीं करेंगे। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है, उम्मीदवार राम बेनीवाल अगर बायतू से विधायक बन जाते हैं, वहाँ आप चुने जाते हैं, क्या आपके जहन में चल रहा है कि बायतू की जनता के लिए सबसे पहला जो काम है मुझे यही करना है? अब देखिए, जनता का आशीर्वाद रहेगा, मुझे 100% विश्वास है, और जैसे ही सबसे पहले बायतू के अंदर शिक्षा की व्यवस्था है उनको सुचारू रूप से सही करेंगे, उसके साथ साथ में चिकित्सा की सुविधा है और पानी की है, सड़क की है, और किसानों के लिए किसी भी तरह की तकलीफ नहीं हो उसके लिए काम करेंगे। तो ये उम्मीदवार राम जी बेनीवाल थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार मुझे पूर्ण विश्वास है बायतू की जनता मुझे जिताएगी, और अगर मैं जीत जाता हूँ तो वहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर जनता के लिए काम करूंगा। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता का रुख किस तरफ रहता है और बायतू की जनता विधायक का ताज किसके सर पर रखती है।